छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, लेकिन बिलाईगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत पौनी के पटवारी किसानों से अवैध वसूली कर काम कर रहे हैं, नहीं देने पर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। बिलाईगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत पौनी हल्का नंबर 8 के पटवारी प्रमोद टांडे के द्वारा पौनी निवासी मोतीलाल साहू से पर्ची बनाने के नाम पर 5,000 रिश्वत मांगा जा रहा है, जिसे नहीं देने पर ऋण पुस्तिका नहीं दिया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। सभी किसान परेशान होकर SDM कार्यालय पहुंचकर पटवारी प्रमोद टांडे को हटाने के लिए SDM को लिखित शिकायत किया है। मैं हाँ पटवारी साहब करके रहे ना, आदेश छोड़े हैं, फिर दूसरा दिन गए हैं, वहाँ 5,000 मांग करी थे, तो फिर पर्ची बनाए बस हमें कहें 5,000 किसे मांग कर पटवारी साहब हमारा आदेश करे SDM साहब में गए हैं, अरे तो कर भी ना होबे नहीं करे, पैसा भी ना ऐसे कही चले हम, मैं ठीक है नहीं करवा हम अभी फिलहाल कर रहे हैं। तो ये कहाँ वही 25 हाँ 25 के फिर शिकायत कर रहे हैं, तो अभी तक कुछ नहीं हुई तो कर रहे बारे से, तो वही बोला हटाए के चक्कर में शिकायत कर रहा था। अच्छा कौन पटवारी ही मांग कर रही थे कि कोई पटवारी मांग कर रही थी प्रमोद टांडे है हमन का है प्रमोद कुमार जो टांडे है पटवारी हल्का नंबर 8 हमन SDM ऑफिस में 25 तारीख की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं होने लगा थे। पैसा कौन मांग कर रही थी? ये जो प्रमोद कुमार टांडे है ना हमन के हाथ बंटवारा के जो आदेश जारी कर रही थी ओकर संबंध में हम लगाए पर्ची बना के देना रही थे, तो हमारे गाँव के जो पटवारी हैं वह पैसा ले बिना पर्ची ला नहीं दी। कहते के मांग कर रही थी? वह तो मांग करीब 10,000 की मांग कर रही थी, लेकिन हमारे यहाँ का है 2,500 रुपये वाले में मुख्य पहली लीसो है और 4,000 रुपये नरेंद्र कुमार साहू के सामने लीसे और यशोदा बाई साहू से 3,000 रुपये लीसे पर्ची के नाम से और सूरज भाई साहू करे लीसे 3,000 रुपया। इस मामले को लेकर RJ न्यूज की टीम पटवारी के पास पहुंचा तो पटवारी प्रमोद टांडे बसते नजर आ रहे हैं और कहा कि जो आरोप लगा है वो गलत है। उनका ये भी कहना है कि क्षेत्रीय नेता आते हैं और दबाव डालकर गलत कार्य किया जाता है। कहा कि सही काम करने के लिए बैठा हूँ। पर लगाए गए हैं वो पूरा का पूरा निराधार है, मेरे द्वारा किसी से पैसा का मांग नहीं किया गया है। कुछ कुछ नेता लोग आते हैं कार्यालय में, अनावश्यक रूप से दबाव डालते हैं गलत कार्य कराने के लिए, और चूंकि मैं सही काम को करने के लिए ही वहाँ पर बैठा हूँ, इनके द्वारा बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है, बीच बीच में लगभग लगातार आते रहते हैं, चूँकि उनका काम नहीं हो पा रहा है इस कारण से उन लोगों के द्वारा मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है कि बिना पैसे के उस गाँव में काम ही नहीं होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि उस गाँव में पटवारी का पूरे गांव भर में सर्वे कराया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि मेरे द्वारा किसी व्यक्ति से पैसे का मांग किया जाता है। उनके द्वारा साफ साफ मतलब लिख करके दिया गया है कि जो है आप पैसा उनसे मांगे हैं करके, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे द्वारा उनके द्वारा बिल्कुल भी पैसा मांगा नहीं गया है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपके द्वारा बता रहा हूँ, आविदिका जो स्वयं लिख कर दी है कि 11 लाख रुपये में मेरे को ज़मीन बेचना है, और चूँकि मैं उन्हीं के आदेश का ही पालन कर रहा हूँ, तहसीलदार मैडम द्वारा मार्किंग है इस नकल आवेदन में और इसी का विक्रय मूल्य जो लिखा है, चूँकि आवेदिका स्वयं मांग की है इस कारण से उसमें लिखा गया है, तो इसी का दबाव बनाते हुए कि ऐसा आप लिख दिए हैं करके द्वेषपूर्ण भावना से मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है। आपका नाम? मैं प्रमोद टांडे, पटवारी पौनी। किसान की शिकायत को और पटवारी की हटाने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी से जब RJ न्यूज की टीम ने इस मामले की जानकारी लेना चाहा तो SDM का कहना है कि किसानों ने जो पौनी पटवारी का शिकायत किया है उसमें जांच करेंगे और शिकायतकर्ता किसान है उसका काम होगा। पौनी के पटवारी के विरुद्ध शिकायत की गई थी, उसकी शिकायत की जाँच करेंगे, परंतु शिकायत के बाद मैंने उनका शिकायतकर्ता का कार्य को पूर्ण करवा दिया हूं, पटवारी को निर्देश दिया और उनकी कार्य पूर्ण हो गई है। शिकायतकर्ता किसान का तो समस्या का हल हो गया,
लेकिन लगातार पटवारी के ऊपर पैसा लेने का आरोप लग रहा है। अब देखना होगा कि पटवारी के ऊपर कब तक कार्रवाई हो पाती है।